so sorry, Anushka. आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आप एक्चुअली पहली बार आ रही हैं कॉमेडी नाइट्स में, तो मैं ये सारा हाईवे का इंतजाम करने में लगा हुआ हूँ. अनुष्का एक बात बताइए, आप इतना लेट क्यों आई कॉमेडी नाइट्स में? क्या आपने सोचा हुआ था कि आपकी कोई फिल्म पहले 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर ले उसके बाद ही जाएंगी आप? हाँ, तुम लोग बोलते रहते, मैं देखती थी शो, तो बोलते रहते तुम लोग बहुत गरीबी है, यहाँ पे बहुत गरीबी है, तुम्हारे घर में खाने के पैसे नहीं है, कुछ दूध नहीं आ रहा है, अंडे नहीं है, ब्रेड नहीं खाई 3 हफ्तों से. तो मैंने कहा पहले 400 करोड़ कमा लेती हूँ अच्छे फिल्म में काम करके, और फिर यहाँ पे आऊंगी और थोड़े पैसे डोनेट. पक्का? शुक्रिया. NH10 के हमने प्रोमोज देखे, उसमें अनुष्का क्या कर रही है, रॉड पकड़ रही है, हाथ में रॉड पकड़ी हुई है, गालियां में दे रही है, मार भी रही है लोगों को. एक बात बताइए, रियल लाइफ में अनुष्का कैसी? अगर गुस्सा आए तो ऐसी चीज भी उठा के मार देती है आप? ऐसे सीधे, सेम सेम. ऐसे मैंने लड़कों को मारा है स्कूल में वापस आते हुए, तो छेड़ छेड़ बेट देते थे, तुम लोग बच के रहना. आप हाथा पाई तुम भी बच के रहना. मैं तो भगवान का नाम लिया हुआ है, बाबा जी का, मैं तो ऐसे काम करता ही नहीं. पर मतलब ऐसी खतरनाक हैं आप? हाँ, अगर लड़के सड़क पे जाते हुए हम स्कूल से वापस आ रहे थे कुछ बोल देते थे, वो तो बदतमीजी है, वो तो मारना चाहिए. मैं तो फिर मारती थी. नहीं ठीक है, अपने आप अगर कोई रिस्पॉन्स देता तो ठीक है, छेड़ने का क्या मतलब हुआ? अनुष्का से हम ढेर सारी बातें करेंगे. अनुष्का आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए अनुष्का के लिए. जी अच्छा कपिल, तुम जिससे पहले मुझसे कुछ पूछो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ. देखो, एक है कौन, राजा शर्मा जी, बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, सब जानते होंगे उनको. एक है चेतन शर्मा जिसने वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक ली थी. तीसरे निकले राकेश शर्मा जो पहली बार स्पेस में गए थे, वापस भी आए थे. तो मतलब वो सब, मतलब शर्मा वो ये वो सो, मैं मतलब तुम क्यों? नहीं, मैं भी बड़े बड़े काम करता हूँ, ऐसी बात अच्छा, नहीं कैसे? हाँ, मैंने मेंढक पाला हुआ है. मेंढक पाला हुआ? हाँ. वो बड़ा काम कैसे हुआ? बड़ा काम, अरे वो क्या है कि वो मक्खियां खाता है सिर्फ. अच्छा, तो मैं दिन में 80-90 मक्खियां पकड़ के उसको खिलाता हूँ. मतलब ये कोई बात नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 400 करोड़ मेरी पिक्चर ने कमाया, मैं शर्मा, तुम मतलब मक्खी पकड़ रहे हो. हाँ. हमारी बिरादरी का मतलब तुमने नाम खराब किया हुआ है, मक्खी पकड़ रहे हो. नहीं ऐसी बात नहीं, बात पता क्या होता है. हाँ. डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है. अब ये देखिए, दूध मक्खन खा के बड़ी हुई है. हाँ. मैं डांट खा के बड़ा हुआ. तो ये सैनिक स्कूल में पढ़ने वाली, इनके पापा आर्मी में थे. अच्छा. ये सैनिक स्कूल में पढ़ी, मैं दैनिक स्कूल में. फर्क तो होता है. दैनिक स्कूल, दैनिक स्कूल मतलब जैसे जिस दिन गए गए, जिस दिन नहीं गए नहीं गए. अच्छा, हमारी टीचर भी खुश होती थी कि बच्चे नहीं आए, चलो मैं अपना स्वेटर पूरा कर लेती हूँ. और हमारी टीचर स्वेटर ही पता नहीं कैसे कैसे, टांगों वाले स्वेटर, सर से लेकर पांव तक स्वेटर बनाती थी वो. काम ही कोई नहीं करने को. आपके अच्छे संस्कार हैं, मेरे पास ना संस ना कार कुछ नहीं. आपके पिताजी फौज में थे, मेरी दादी मौज में. हमने कुछ नहीं किया. लेकिन सारे जो भी थे सक्सेसफुल आदमी होते हैं, उनके पीछे एक औरत का हाथ होता है कि नहीं? और तुम्हारी भी बीवी है. वो उसका हाथ क्या आएगा, हाथ जितनी तो खुद है वो. हाँ, वो मेरी सक्सेसफुल, मैं उसे कहाँ से होऊंगा. आप जैसी लड़की का हाथ हो ना किसी के पीछे, तो बंदा चाहे वर्ल्ड कप भी ले आए. ओके, मार खाएगा शर्मा. ओके, अब शर्मा शर्मा कैसे, ये बात टॉपिक खत्म करते हैं. हम भाई बहन भी हो सकते थे, सोचो. प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, मेरा बीपी बढ़ जाता है. अच्छा, हमने सुना था सेब कश्मीर में होते हैं, बेंगलोर में भी होते हैं. मैं यही लग रहा है कि नहीं, पारी अनुष्का पिंकी टिपू, पूरी पिंकी टिपू, ये सिद्धू पाजी बोलते हैं. देखो, हर समझ गया. मैं समझाता हूँ. मैंने कहा फिर ना कह देगा हर एक के बारे में बोल रहे. देखो, दो एक्ट्रेसेस मुझे ऐसी लगी हैं जिनमें निर्भयता है. जब वो एक्टिंग करती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कलकल करता झरना है. एक ये और एक काजोल. अच्छा. दोनों नदी की तरह बहते. थैंक यू. अनुष्का ने एक हाल ही में इंटरव्यू दी थी, इसमें आपने कहा था कि कंपेयर टू एक्टर्स, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को पैसे कम मिलते हैं. तो क्या यही वजह है कि आप प्रोड्यूसर बन गई? कि मुझे, मैं खुद ही अपने आप को पैसे दूंगी, मैं खुद ही अपना, मैं जो मर्जी प्राइस रखूं. हाँ, लेकिन पैसे कम मिलते, तुमको काफी पैसे मिले ना? मेरे को? हाँ.
नहीं मेरे को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद ही मिला. अच्छा जरूर. पर नहीं मेरे को हीरोइन चार मिली एक्चुअली. अच्छा. देयर आर फोर हीरोइंस. आप सोचो ना कभी एक एक नहीं मिलती पाई और एक बीबी ये यार मेरी कहाँ चार हीरोइन एक साथ. तो आई एम फीलिंग वेरी नाइस. आपको पता है पाजी पीके में एलियन जब इनका हाथ पकड़ते हैं आमिर खान तो वो सब कुछ समझ लेता है. आपको पता वो तो खैर स्क्रिप्ट में लिखा होगा ना. आपको पता मेरे अंदर नेचुरल पावर है. Really? हाँ मैं हाथ पकड़ के आपके बारे में सब बता सकता हूँ. Oh, कसम से. अच्छा. बताऊँ मैं आपको. ये लाइन मारने के चक्कर में हाथ पकड़ लिया. ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा. चुप रहो. किसी गरीब का भला हो रहा. तुम्हारी सिटियां भी निकल रही हैं. ओके मैं आपको बता सकता हूँ. आप बचपन में ही पैदा हो गई थी. आप जब पैदा हुई थी आप बहुत छोटी सी थी. आप बहुत गोरी थी आज की तरह. आप ऐसे ही सुंदर दिखती थी. सारा मैंने बता दिया. हाँ, मैं हाँ. हाँ. एक सेकेंड. क्रिस्टल बॉल. एसिडिटी है. अनुष्का यू आर वेरी नॉटी गर्ल. बाबिल दो. बैकस्टेज दूध पी रहा था. ये तो बैकस्टेज वाली बातें हो गई. ये तो चीटिंग है. मैं अभी दोबारा सोच सकता हूँ मेरे बारे में क्या सोच रहे थे. फिर मैंने कितनी बातें बताई पाजी देख लो. छा गया तू. आपके अंदर है ये पावर. या सिद्धू पाजी के मन में क्या चल रहा है बता सकते हैं आप. हाँ बताओ. खड़काओ. इनके दिमाग में चार बातें चल रही हैं. अच्छा. तीन तो शेर ही चल रहे हैं. और चौथी बात चल रही है. चौथी कौन सी. ये सोचना है कि अनुष्का मेरा हाथ ना छोड़े. ये तो सही था. ये तो सही था. हाय तेरी अंगड़ाई. तुझे तो कोल्ड ड्रिंक की दुकान में क्या कर रही थी. कोल्ड ड्रिंक की दुकान में मैं वो एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा मैं फ्रीजर में सो रही थी. ये तेरी दुकान है. नहीं मेरी दुकान तो ये पेंचर वाली है. वो तो मेरा साइड बिजनेस है. अरे निष्का शर्मा. हाँ निष्का शर्मा. निष्का शर्मा रियली. निष्का शर्मा रियली. सब तेरे तेरे नकली सामान लगा के थोड़ी लगे हुए. यूज मी. ओके लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस. ओके गुती गुती निष्का शर्मा. निष्का शर्मा कपिल शर्मा. कपिल शर्मा ऑडियंस. ऑडियंस सिद्धू जी. पेंचर की दुकान. पेंचर की दुकान आधा ट्रक. आधा ट्रक पाना पाना. कोल्ड ड्रिंक की दुकान. हेल्दी गुती. ये तो अपनी दुकान के लिए गन्ने कहाँ से लाती है. खेत से. किस खेत से. गन्ने के खेत से. बेवकूफ खेत का मालिक कौन है. वही जो तुम्हारा और हमारा मालिक है. जो सबका मालिक. तुमने सुना नहीं सबका मालिक एक. ओके क्लाइंट आ गया. मेरा क्लाइंट आ गया. एक्सक्यूज मी. यस प्लीज कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ. क्या किया तूने. एक तो तुम हॉस्पिटल में नहीं आए हो जो मरीज को लेटा दिया यहाँ पे. खड़ा करो इसको. इतना भी कोई सीरियस मामला नहीं है. मैं पूछ रहा हूँ क्या किया तुमने. ये पंचर लगाया. और क्या किया मैंने. पंचर लगाया. पंचर. कल तुमने पंचर लगाया. आज हवा फिर से निकल गई. ये देखा मेरी दुकान पे एक बार जो क्लाइंट आया था ना दोबारा आता ही आता है. ये मेरे हाथों के पंचर में जादू है कि क्लाइंट उंगलियां चाटता रह जाता है. बताइए ये पंचर ठीक करो. बातें सुनने नहीं आया मैं. अच्छा पंचर ठीक कर दूं. इसको थोड़ा आगे लेके आओ. हाँ आगे लेके आओ. इसको पानी में डालो टायर को. पंचर तुमने लगाना कि मैंने. ओके चेक करते हैं. ये लो. ओके ओके. ये क्या गुड़गुड़ की आवाज तो आ रही है. ओहो यहाँ तो मेरी चिंगम लगी हुई है. ओ मैंने गलती से कल चिंगम लगा दी थी. तूने चिंगम से पंचर लगाया. मैं तो थूक से भी लगा देती हूँ. कोई बात नहीं. आप एक काम करिए. आप चलिए. मैं आपका पंचर थोड़ी देर में लगाती हूँ. थोड़ी देर में आ जाइए. जल्दी से ठीक करो प्लीज. प्लीज प्लीज. हाँ तू कल की चिंगम खा रही है. कल की चिंगम नहीं है. ये तो मेरे बचपन की चिंगम है.
जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में ना तब से खा रही हूँ। आई लव दिस चिंगम यार, मेरी सबसे प्यारी चिंगम है।